हाय गाइस, तो कल ना महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी है। तो आषाढ़ी एकादशी पे ना सब लोग फास्ट करते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं व्रत की थाली बताऊं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो पम्पकिन लिया है यानी कि कद्दू और आलू, इन दोनों को एक ही साथ में प्रेशर कुकर में बॉईल करूंगी। नीचे मैंने पानी डाला है। मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी इसको आने देंगे। तो गाइस, अभी तो मैंने ना आलू और पम्पकिन को प्रेशर कुकर में स्टीम होने के लिए रख दिया है। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं गुड़ वाले मखाने बनाऊं, जो बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी इसे बना सकते हो व्रत में, और व्रत नहीं हो तो आप ऐसे भी खा सकते हो, मंचिंग के लिए भी बहुत अच्छे है ये। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैं इसमें घी डालूंगी। तो अभी इसमें गुड़ डालूंगी। इसमें पानी नहीं डालना है, पानी डाला तो ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, ऐसे क्रंची नहीं होंगे वो। अब गुड़ मेल्ट होने तक हमें इसे पकाना है। ये मखाने डालूंगी जो मैंने पहले ही भून के लिए है। अभी जल्दी से इसको मिक्स करना है। गाइस, इसमें ना मखाना अच्छे से भून के लेना, क्योंकि मखाना भून के नहीं लेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो गाइस, अभी ना ये हो गया है, बहुत इजी है बनाना, बहुत जल्दी में बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी मैंने गैस बंद कर दिया है, अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर निकालेंगे। तो गाइस, अभी आलू बॉईल हो रहे हैं, पम्पकिन बॉईल हो रहा है, मखाने गुड़ वाले हो गए। अभी मैंने सोचा खीरे का रायता बनाऊं, अभी मैं इसको ग्रेट करूंगी। दही अच्छे से फेंट के लिया है, देखिए एकदम ही क्रीमी हो गया है। तो ऐसे करेंगे ना तो जो भी रायता आप बनाओगे ना वो पानी पानी नहीं छोड़ेगा। मैंने खीरा को भी ग्रेट कर लिया है, तो मैं इसमें दही डालूंगी। इसमें आप आपके मर्जी के हिसाब से, आप जो भी व्रत में खाते हो, जीरा मसाला हो, काली मिर्च पाउडर हो, वो डाल सकते हो। थोड़ी सी शुगर डाल रही हूँ और ये नमक है, इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। तो खीरे का रायता तैयार हो गया। अभी इसमें ना आप जीरे का तड़का दे सकते हो अगर आप जीरा खाते हो, या फिर पीनट्स की पाउडर डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। आप जो भी खाते हो आप इसमें डालो, कोई कोई तो धनिया भी खाता है फास्ट में, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो अभी गाइस, नेक्स्ट आइटम मैं बना रही हूँ फास्ट का आलू वड़ा। तो फास्ट का भी आलू वड़ा बहुत टेस्टी बनता है, जिन लोगों को पता नहीं है बटाटा वड़ा बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ राजगिरा का आटा, ये सब जगह अवेलेबल होता है इजिली और ये बहुत हेल्दी भी होता है। इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, इसे बीट करूंगी ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गिठाने ना रहे। तो गाइस देखिए, बैटर मैंने बनाया है, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा पतला। और अभी आलू और ये भी बॉईल हो गए हैं। इससे पहले हम आलू वड़ा बनाएंगे और सूप बाद में बनाऊंगी, क्योंकि 5 मिनट में बन जाता है। आलू वड़ा के लिए ना मैं ये अदरक और मिर्ची को ग्राइंड करूंगी, जीरा भी डाल सकते हो आप इसमें। आलू को मैश करूंगी, बहुत गर्म है। अदरक और मिर्ची का पेस्ट। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। अभी देखिए, हम जीरा खाते हैं व्रत में, तो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि हमने बैटर में भी नमक डाला है। और इसमें जाएगा नींबू या आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो आप अगर खाते हो तो। बस अभी हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी आलू के छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ। मैं तो ये पहली बार बना रही हूँ, ये आई की रेसिपी है तो आई ने तो बनाया है। लेट्स सी कैसे बनता है।
गाइज अभी मेरे सारे व्रत के आइटम तैयार है, मैंने सारे रेडी कर दिए हैं, तो अभी मैं प्लेटिंग करूंगी, सर्व करूंगी आई को। लेट्स सी कैसे लगता है आई को। आई मैंने आपके लिए ना व्रत के सारे आइटम्स बनाए हैं, न्यू आइटम्स है, कुछ कुछ मैंने पहली बार बनाए ट्राई किए हैं, तो आप खा के बताओ कैसे बने। अरे बाप रे, इतनी अच्छी थाली है ना जानवी, थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं तो इतने सारे आइटम व्रत के दिन पहली बार खा रही हूँ। आलू वड़ा बटाटा वड़ा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्रत का है, और स्पाइसी एकदम मुझे जैसा पसंद है ना, बिल्कुल वैसा। ये है कद्दू का सूप, ये तो बहुत हेल्दी होता है। बहुत हेल्दी है, बहुत ही अच्छा बना है। घी और तेल इसमें कुछ भी नहीं डाला है, एकदम होलसम डिश हो गई है व्रत के लिए। मैं तो सिर्फ ये खा के भी व्रत कर सकती हूँ, इतनी अच्छी और टेस्टी और हेल्दी है ये। पीनट्स खा के देखो, ये मंचिंग के लिए बहुत अच्छे है। पीनट्स बहुत बढ़िया, एकदम सब परफेक्ट है। नमक है, मिर्ची है, नींबू का भी स्वाद आ रहा है, जीरा पाउडर का भी स्वाद है इसमें। एकदम से बढ़िया थाली हो गई है, बहुत अच्छा।